लेडी शेरलॉक होम्स के नाम से मशहूर देश की पहली प्राइवेट महिला जासूस रजनी पंडित को थाने पुलिस ने अवैध रूप से सोर्सिंग और सीडीआर बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। रजनी पर अपने क्लाइंट के लिए अवैध तरीके से कॉल रिकॉर्ड डिटेल्स प्राप्त करने का आरोप है। पुलिस ने 1 फरवरी को अवैध रूप से सोर्सिंग और सीडीआर बेचने वाले जासूसों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया था। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए जासूस समरेश ने पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया कि वह कॉल डिटेल्स को रजनी के कहने पर मोटी कीमत पर बेचा करता था। रजनी पंडित पूर्व आईपीएस अधिकारी की बेटी बताई जाती हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 जासूसों संतोष पंडगले और प्रशांत सोनावड़े को नई मुंबई से भी धर दबोचा है। पुलिस रजनी से पूछताछ में जुटी हुई है। हालांकि इस मामले में पुलिस को रजनी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। बताया जाता है कि रजनी ने साल 1991 में अपनी डिटेक्टिव एजेंसी की शुरुआत की थी। फिलहाल उनकी टीम में लगभग 2 दर्जन लोग काम कर रहे हैं। रजनी पंडित के मुताबिक वह अभी तक 75,000 केसेस सॉल्व कर चुकी हैं, जिसके लिए उन्हें कई अवार्ड भी मिले हैं। रजनी ने अपना पहला केस अपनी एक दोस्त की मदद के लिए किया था। दरअसल उनकी दोस्त किसी गलत संगत में फंस गई थी, जिसका उन्होंने पता लगाया और उसे वहाँ से बाहर निकाला। इसके बाद उनकी दिलचस्पी इस काम में बढ़ती गई और आगे चलकर उन्होंने खुद की निजी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी लेडी शेरलॉक होम्स के नाम से मशहूर देश की पहली प्राइवेट महिला जासूस रजनी पंडित को थाने पुलिस ने अवैध रूप से सोर्सिंग और सीडीआर बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। रजनी पर अपने क्लाइंट के लिए अवैध तरीके से कॉल रिकॉर्ड डिटेल्स प्राप्त करने का आरोप है। पुलिस ने 1 फरवरी को अवैध रूप से सोर्सिंग और सीडीआर बेचने वाले जासूसों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया था। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए जासूस समरेश ने पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया कि वह कॉल डिटेल्स को रजनी के कहने पर मोटी कीमत पर बेचा करता था। रजनी पंडित पूर्व आईपीएस अधिकारी की बेटी बताई जाती हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 जासूसों संतोष पंडगले और प्रशांत सोनावड़े को नई मुंबई से भी धर दबोचा है। पुलिस रजनी से पूछताछ में जुटी हुई है। हालांकि इस मामले में पुलिस को रजनी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। बताया जाता है कि रजनी ने साल 1991 में अपनी डिटेक्टिव एजेंसी की शुरुआत की थी। फिलहाल उनकी टीम में लगभग 2 दर्जन लोग काम कर रहे हैं। रजनी पंडित के मुताबिक वह अभी तक 75,000 केसेस सॉल्व कर चुकी हैं, जिसके लिए उन्हें कई अवार्ड भी मिले हैं। रजनी ने अपना पहला केस अपनी एक दोस्त की मदद के लिए किया था। दरअसल उनकी दोस्त किसी गलत संगत में फंस गई थी, जिसका उन्होंने पता लगाया और उसे वहाँ से बाहर निकाला। इसके बाद उनकी दिलचस्पी इस काम में बढ़ती गई और आगे चलकर उन्होंने खुद की निजी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी